बच्चों हाउ आर यू ऑल सो वेलकम टू द फोर्टी फाइव स्प्रिंट फॉर जयंटर यू आर गोइंग टू मास्टर टू थाउजेंड नाइनटीन जनवरी वाला राउंड राइट चलो बच्चों दिस इज माई फर्स्ट क्लास आई एम पुलकित आई एम को फाउंडर ऑफ विदांतु एंड आई मैथ आप लोग मेरी क्लासेस अटेंड करते हो कि नहीं अटेंडिंग माई क्लासेस यो और नो

अगर इसके अल्फा बीटा रूट्स हैं तो वॉट यू नो यू नो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई टू अल्फा बीटा अल्फा इनटू बीटा राइट ऑल दिस यू नो बट व्हाट इज गिवन हि यूर गिवन दैट ए एन इज दिस अल्फा बीटा द रूट्स एन इज दिस यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस सी प्रॉब्लम्स आर सो सिंपल राइट क्या करोगे बच्चों क्विकली वॉट इज ए टेन इफ ए एन इज अल्फा की पावर एन माइनस बीटा की पावर एन तो बच्चों व्हाट इज ए एन व्हाट इज ए टेन ए टेन बच्चों कितना हो जाएगा अल्फा की पावर टेन माइनस बीटा की पावर टेन ऑल ऑफ यू एग्री ए एन इज दिस एन की जगह टेन पुट कर दो पुट एन की जगह टेन माइनस टू टाइम्स सिमिलरली बच्चों क्या है दिस इज एल्फा रेस टू पावर एट माइनस बीटा रेस टू पावर एट अपॉन टू टाइम्स एल्फा रेस टू पावर नाइन माइनस बीटा रेस टू पावर नाइन नाउ दिस इज द क्वेश्चन इसकी वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों क्या करेंगे अपन यार दिस लुक्स टो लेंदी बट सी वेरी केयरफुली कैन यू टेक आउट एल्फा की पावर एट कॉमन बिटवीन दिस एंड दिस वंस यू डू इट द प्रॉब्लम बिकम्स वेरी सिंपल जैसे आप अल्फा की पावर एट कॉमन लोगे बच्चों क्या हो जाएगा लेट्स टेक अल्फा की पावर एट कॉमन लेट्स सी वॉट हैपन्स करें आप लोग सब लोग करो टेक अल्फा की पावर एट कॉमन लेट्स सी वॉट हैपन एज सुन एज यू डू दैट देखना क्या होगा क्विक 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 फटाफट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं क्या किया हमने दिस वॉज वॉट वॉज द क्वेश्चन इज समझ में आ रहा है देखना ध्यान से मैंने अल्फा की पावर एट कॉमन लिया बिटवीन दिस एंड दिस अल्फा की पावर एट कॉमन लिया मेरे पास बच गया अल्फा स्क्वेयर माइनस टू नाउ बिटवीन दिस एंड दिस राइट मैं बीटा की पावर एट कॉमन लेता हूं तो बच्चों आपके पास क्या बचेगा बीटा स्क्वायर माइनस टू बट बच्चों ऑल ऑफ यू बी वेरी वेरी केयरफुल केयरफुलर द इक्वेशन वॉज एक्स स्क्वायर राइट माइनस सिक्स एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो दिस वॉज द इक्वेशन गिवन टू यू और ये क्या बता था आपको यू न्यू दैट एंड बीटा वर देर रूट्स एंड बीटा आर देर रूट्स यस की नो तो बच्चों अगर एल्फा और बीटा रूट्स है एक इक्वेशन के देन एल्फा एंड बीटा विल सेटिसफाई द इक्वेशन यस ऑर नो सो इफ एल्फा इज अ रूट एल्फा विल सेटिस्फाई दिस तो बच्चों क्या हो जाएगा एल्फा स्क्वेयर माइनस सिक्स एल्फा माइनस टू बच्चों कितना हो जाएगा जीरो बिकॉज एल्फा विल सेटिसफाई द इक्वेशन डू यू कैन यू फाइंड आउट फ्रॉम हेयर दट एल्फा स्क्वायर माइनस टू बच्चों कितना हो जाएगा यहां से सिक्स एल्फा समझ में आ रहा है यसोनो या आर यू गेटिंग इट यसोनो तो बच्चों क्या हो गया यहां से मेरे पास एल्फा स्क्वायर माइनस टू की वैल्यू आ गई एल्फा स्क्वायर टू माइनस टू बच्चों रूट सिमिलरली बीटाफाई बीटा स्क्साइनस टू इज इक्वल टू जीरो बच्चों यहां से आपके पास क्या आएगा आपके पास आएगा बीटा स्क्वायर माइनस टू इज इक्वल टू सिक्स बीटा वट एम ट्राइंग टू टेल यू हिस्स इज दैट क्वेश्चन आर वेरी सिंपल जस्ट सिंपल कैलकुलेशन आर रिक्वायर्ड टू सॉल्व जेई मेन्स की प्रॉब्लम इन क्वारिटी की राइट तो क्या हुआ मेरे पास इन दोनों की वैल्यू आ गई एल्फा की पावर एट पहले से था एल्फा स्क्वायर माइनस टू आ गया बच्चों वो आ गया सिक्स एल्फा एंड बीटा स्क्वायर माइनस टू आ गया बच्चों सिक्स बीटा हुआ क्या एल्फा एट इन टू सिक्स एल्फा सिक्स कॉमन ले लो तो बच्चों क्या बचेगा आपके पास एल्फा की पावर नाइन और बीटा की पावर नाइन राइट सिक्स बाहर आ गया दिस इज बीटा की पावर नाइन राइट दिस डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर गेट्स कैंसल आउट ये गया कैंसिल हो गया बचा कितना सिक्स बाई टू दैट इज इक्वल टू थ्री दैट्स इट सच अ सिंपल प्रॉब्लम बच्चों वॉज एनी कंसेप्ट रिक्वायर्ड हियर इन दिस प्रॉब्लम एब्सोल्यूटली नथिंग एनी डाउट सो दिस इज जस्ट टू बिगिन द क्लास आई एम जस्ट बिगिनिंग द क्लास विद अ क्वेश्चन वेयर वॉट वी आर लर्निंग और वट वी आर ऑब्जर्विंग इज दैट Concepts are very simple. Simple calculations are required in the chapter of quadratic equations in J mains. Right now, let us begin from here. So, this is the beginning of the class. So, what is the answer? So, what is the answer? The answer is 3. Answer is C, as all of you rightly pointed out. Now, let us begin. We are doing quadratic equations today, and the chapter is very simple. It's a Laddu chapter. You should definitely score in this chapter, and we are going to do lots of J problems today. I am Pulkit. I did my B.Tech from IIT Roorkee. I have been teaching students for the last, what, 14, 15 years now. I am the co founder of Vedantu. Before that, I had started Laksh Institute. Today, till date, I think I have taught some tens and thousands of students, and I will help you to get into J mains, I, I think, in IITs very simply. Chal, let us begin.

बच्चों दी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अब फटाफट नोट करना शुरू करो बिफोर आई एंटर द क्लास द कंसेप्ट विच आर इंपॉर्टेंट फॉर जे एक एक करके वी विल मास्टर ऑल दीज क्स दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द सिंपलेस्ट ऑफ द कंसेप्ट एंड द क्वेश्चन इन जेई इन दिस एट मतलब गारंटीड क्वेश्चन यहां से आता ही आता है सो रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोविश देन नेचर ऑफ रूट्स

पॉलीनॉमल ऑफ एन एथ डिग्री विल हैव एन रूट्स आर ऑल द रूट रियल नो आर ऑल द रूट्स रियल एब्सोल्यूटली नो ठीक है रियल भी हो सकते हैं इमेजनरी भी हो सकते हैं वी विल डिस्कस दैट राइट सो पॉलीनॉमल ऑफ डिग्री एन हैज एन रूट सबको पता है इंपॉर्टेंट थिंग इज टू रियलाइज द रिलेशनशिप बिटवीन द रूट कैसे देखते हो आप लेट स्टार्ट विदिटिक क्विकली क्वाडिटिक अपने पास ये है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी राइट right? मान लो इसके रूट बच्चों क्या है अल्फा बीटा तो वॉट डू यू नो यू नो दैट द सम ऑफ द रूट दैट इज एल्फा प्लस बीटा सबको पता है बच्चों क्विक टू मिनट्स रिविजन बच्चों कितना हो जाएगा माइनस बी बाई एल ऑफ यू नो माइनस ऑफ बी अपॉन ए एंड वट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रूट बच्चों एल्फा इन टू बीटा वो कितना होता है सी बाई ए ये सबको पता है ऑल ऑफ यू नो दिस डू यू नो दिस फॉर द क्यूबिक एज वेल क्यूबे इक्वेशन में भी पता है आपको अगर इसके रूट्स होते अल्फा बीटा गामा तो बच्चों सम ऑफ द रूट्स कितना होता है यहां पे कितना होता माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब बच्चों कितना हो जाएगा माइनस बी बाई दैट इज समूट्स एस वन बच्चों क्या है एस वन इज एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यह है एस वन जो मैंने लिखा है यहां पर वट इज एस टू द प्रोडक्ट ऑफ टू टू रूट एस टू बच्चों क्या है एस टू इज एल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा एल्फा राइट ये बच्चों कितना हो जाएगा अब ए किस टाइम सी अपन ए सो माइनस बी अपॉन ए सम ऑफ द रूट उसके बाद कम टू द नेक्स्ट वन देन चेंज द साइन माइनस की जगह प्लस कर दो सी अपॉन ए बच्चों को क्या हो जाएगा टू 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 के कॉम्बिनेशन में रूट्स का समेशन

समेशन ऑफ ऑल द रूट्स इसके रूट्स है अल्फा, बीटा गामा डेल्टा सम ऑफ ऑल द रूट्स, ठीक है सिग्मा अल्फा मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा वो बच्चों कितना माइनस बी ए सिमिलरली सिग्मा ऑफ अल्फा बीटा मतलब अल्फा बीटा बीटा गामा गामा डेल्टा डेल्टा अल्फा टू 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 के कॉम्बिनेशन में तो बच्चों कितना हो जाएगा दिस विल बी माइनस प्लस सी ए देन थ्री थ्री कॉम्बिनेशन एल्फा बीटा गामा बीटा गामा डेल्टा राइट डेल्टा सॉरी गामा डेल्टा एल्फा एंड सोन थ्री थ्री के कॉम्बिनेशन में करेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा माइनस डी ए पौने एंड समूट दैट इज एल्फा बीटा गामा डेल्टा बच्चों को कितना हो जाएगा प्लस ई ए पौने दिस इज द्योरी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द रूट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द रूट्स ऑफ एनी पोलिनॉमल इक्वेशन यहां तक तो क्लियर है ठीक है अब आते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग पे हाउ प्रॉब्लम आर क्रिएटेड ऑन दिस इन जे करें तो लेट एस बिगिन अच्छा बाई द वे द ग्राफ ऑफ एनी पोलिनॉमल इक्वेशन बच्चों अगर ये क्यूबिक का ग्राफ है हाउ मेनी रियल रूट आर देर हाउ मेनी रियल रूट आर देर इन दिस हाउ मेनी रियल रूट आर देर रियल रूट्स क्या होते हैं बच्चों वट आर द रियल रूट्स रियल रूट्स आर द पॉइंट वेयर द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सेस ये जो भी पॉलिनामियल फंक्शन है इट इज इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सेस थ्री रियल पॉइंट तो हाउ मेनी रियल रूट बच्चों थ्री रियल रूट थ्री रियल रूट्स राइट हाउ मेनी रियल रूट इी रियल अ क्यूबिक इक्वेशन इट हैज थ्री रियल रूट्स मोर ऑन दिस एज वी गो हेड बट क्या हमेशा थ्री रियल रूट्स होंगे नहीं जैसे ग्राफ बनाता हूं लेट मी मेक अ ग्राफ लेट मी मेक अ ग्राफ लाइक दिस दिस इज अ ग्राफ ऑफ अ क्यूबिक इक्वेशन हाउ मेनी रियल रूट्स आर देर हाउ मेनी रियल रूट्स आर देर वन रियल रूट ओनली सो क्यूबिक इक्वेशन के बच्चों कितने रियल रूट हो सकते हैं इधर थ्री रियल रूट्स और वन रियल रूट राइट तो यहां पे क्या है बच्चों यहां पे क्या है वन रियल रूट एंड टू इमेजिनरी रूट्स ठीक है इफ इट इज द ग्राफ ऑफ अ क्यूबिक इक्वेशन इफ इट इज ग्राफ ऑफ अ ग्राफ ऑफ अ क्यूबिक इक्वेशन तो व्हाट डू वी नो वी नो क्यूबिक इक्वेशन हैज थ्री रियल रूट्स बट इधर ऑल द थ्री आर रियल और बच्चों वन इज रियल टू आर इमेजनरी एंड इमेजनरी ऑलवेज अकर इन द पेयर्स मोर अबाउट दैट एज वी गो हैड ठीक है तो हमेशा क्या होगा बच्चे हो? जो इमेजनरी रूट्स होते हैं ना वो हमेशा पेयर्स में होते हैं तो अगर एक रियल रूट है मान लो इसकी वैल्यू है मान लो ए तो इमेजनरी रूट्स कैसे होंगे अगर एक रूट है एल्फा प्लस आयोटाबीटा तो दूसरा होगा एल्फा माइनस आयोटाबीटा सो इमेजनरी रूट्स ऑलवेज अकर इन कंजुगेट पेयर्स ए प्लस आयोटा भी ए माइनस आयोटा भी कंजुगेट पेयर्स ठीक है ना क्लियर क्योंकि इक्वेशन क्या है क्यूबिक या तो तीनों रियल होंगे या एक ही रियल होगा ओनली वन रियल बिकॉज इमेजनरी विल ऑकर ऑकर इन कंजुगेट पेयर्स इमेजनरी कभी अकेला रूट नहीं होता इमेजनरी हमेशा पेयर्स में आते हैं इमेजनरी रूट्स ऑलवेज अकर इन पेयर्स यू कैन नेवर हैव वन इमेजनरी रूट्स

जे हैज इंट्रोड्यूस्ड द न्यूमेरिकल और द इंटीजर टाइप प्रॉब्लम्स राइट तो आ जाओ देखो इसको सो अमन इज सेइंग थ्री इमेजनरी रूट्स होगा तो कैसे पेयर बनेगा अमन थ्री इमेजनरी रूट्स कैन नॉट हैपन इमेजनरी रूट्स आर ऑलवेज इन पेयर टू या फोर दे कैन नेवर बी थ्री ठीक है हा लु एट दिस प्रॉब्लम इफ वन रियल रूट ऑफ द क्वारिटिक इक्वेशन इज क्यूब ऑफ द अदर ठीक है अरे आंसर एकदम से मत दो स्वयं मुझे भी पता लग जाता है कि तुम्हें आंसर पता है सॉल्व करो सॉल्व करो ठीक है चलो फोकस करते हैं यहां पे सो वन रियल रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज क्यूब ऑफ द अदर बड़ी अच्छी बात है देन सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ के सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ के के कहाज है के इज हियर के इज हियर ठीक है तो so, क्वेश्चन में जो बोला है वो चुपचाप लिखते हैं उसने बोला है, इसके दो रूट्स हैं एक रूट अल्फा है इफ वन रूट इज अल्फा

ऐसा दिस विल हैपन फॉर सर्टेन वैल्यूज ऑफ के सो व्हाट आर दोज वैल्यूज ऑफ के फाइंड करेंगे उनका समेशन क्या आएगा इज द क्वेश्चन व्हाट इज द समेशन ऑफ दोज वैल्यूज ऑफ के इज द क्वेश्चन राइट तो जो बोलता है करते जाओ वट द क्वेश्चन इज लेट्स कीप डूइंग इट वट डू वी नो वी नो सम सम ऑफ द रूट्स बच्चों कितना हो जाएगा सम ऑफ द रूट्स इज एल्फा प्लस एल्फा क्यूब वन वे ऑफ लुकिंग एट इट वन दिस प्लस दिस बट फ्रॉम द रिलेशनशिप दैट वी अबी सॉ समसो माइनस के अपॉन एटी वन माइनस के अपॉन एटी वन दिस आई नो एग्री दिस इज माई रिजल्ट वन ऑल ऑफ यू नो बट आई ऑल्सो नो द प्रोडक्ट ऑफ द रूट तो मुझे एक और चीज़ पता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज एल्फा इंटू एल्फा क्यूब बट दैट इज इक्वल टू सी अपॉन ए टू फिफ्टी सिक्स अपॉन एटी वन सो टू फिफ्टी सिक्स अपॉन एटी वन This implies, मुझे यहां से अरे एल्फा की वैल्यू आ जाएगी सो बेसिकली एल्फा की पावर फोर इज टू फिफ्टी सिक्स अपॉन एटी वन विच एम्प्लाइज एल्फा बच्चों दिस इज वॉट आई कैन राइट दिस एज टू फिफ्टी सिक्स अपॉन एटी वन क्या है फोर अपॉन थ्री रेस टू पावर फोर एग्री यही है तो बच्चों वेन आई टेक द फोर्थ रूट तो कितना आ जाएगा प्लस माइनस फोर बाई थ्री

एंड ऑलमोस्ट वर्बल क्वेश्चन बट आई एम डूइंग इट प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप बच्चों के की कितनी वैल्यूज आएंगी एल्फा की कितनी वैल्यूज है एल्फा हैज टू वैल्यूज वन प्लस फोर बाई थ्री वन माइनस फोर बाई थ्री सो फॉर ईच वैल्यू ऑफ के एल्फा फॉर ईच वैल्यू ऑफ एल्फा यू विल गेट वन वैल्यू ऑफ के हैंज द आंसर दिस एम्प्लाइज बच्चों के वन क्या हो जाएगा के वन होगा वेन से फोर बाई थ्री हो गया सो माइनस एट्टी वन फोर बाई थ्री प्लस फोर बाई थ्री का क्यूब बट वॉट इज के टू द अदर वैल्यू ऑफ के दैट इज वेन एल्फा इज माइनस फोर बाई थ्री अरे वाह! सो माइनस एट्टी वन माइनस फोर बाई थ्री प्लस माइनस फोर बाई थ्री का होल क्यूब ना डू यू रियलाइज डू यू रियलाइज दैट माइनस एन माइनस विल कम आउटसाइड यू विल रियलाइज दैट के टू एंड केवन आर वॉट के टू एंड केवन आर नेगेटिव ऑफ इच अदर हैं इन दोनों का समेन करोगे वेन यू समीज टू वॉट आर यू गोइंग टू गेट जीरो यू आर गोइंग टू गेट जीरो एग्री समझ में आया एनी डाउट बच्चो एनी डाउट इन दिस सो इंपॉर्टेंट इज टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन क्वेश्चन लड्डू है क्वेश्चन इज वेरी सिंपल आप अगर यहीं पर देख के As soon as you could have got this, you would have got the answer. It was a verbal question. Ideally, it should not take more than 15-20 seconds. Clear? Samaj Maya. Acha, if you are getting it, but do press on the like button so that I get the feedback after the class. I will keep checking my sessions after they have done. I have done them. Your likes are like my feedback if I'm teaching you in the right way or not. Okay? Alright. Very good. गुट टू सी लॉर्ड्स ऑफ यस इू इट वर्बली प्रभात अरे बहुत सिंपल था ना बेटा आपने क्या किया आपको समझ में आ गया हाउ टू डू इट वर्बली वेरी सिंपल जैसे आपने लिखा कि दिस इज द वैल्यू ऑफ के और जैसे आपको के की वैल्यू यहां से एल्फा की वैल्यू मिल गई प्लस माइनस फोर बाई थ्री यू शुड हैल्यू ऑफ एल्फा विल गिव मी सम वैल्यू अनादर वैल्यू ऑफ एल्फा सिंस एल्फा एंड एल्फा क्यूब आर ऑड तो माइनस वाले वैल्यू लूंगा तो के की वैल्यू प्रीवियस वैल्यू के नेगेटिव आ जाएगी हेंस देयर समेशन विल बी जीरो नो नीड टू डू एनी अदर कैलकुलेशन राइट चलो लेट्स मूव अहेड जे मेंस 2019 लुक एट दिस सो नाउ आई एम टेकिंग लॉट्स ऑफ जे मेंस 2019 प्रॉब्लम्स टू गिव यू कॉन्फिडेंस कि बच्चों क्वेश्चंस आर लड्डू एंड सिंपल लुक एट दिस could take your time. If lambda be the ratio of the roots of the quadratic equation in X, then this is an equation then the least value of m for which lambda plus 1 upon lambda is equal to one. Samjo don't panic. What happens in exam when you read such a long sentence karta. your brain trips. you read till second line and you forget what you read in the first line.

राइट देन दीस्ट वैल्यू ऑफ m फॉर विच दिस इज वन सो व्हाट इज गिवन गिवन दैट लैमडा प्लस वन अपॉन लेमडा इज इक्वल टू वन इट इज गिवन बट फॉर दिस टू हैपन देर विल बी सर्टेन वैल्यू ऑफ m फॉर विच दिस विल हैपन m की किसी वैल्यू के लिए ये होगा हमेशा तो नहीं होगा तो लेट इज सिंपली सैटिस्फाई दिस अपने आप आंसर आ जाएगा सो लेट इज डू दैट वेरी सिंपल सो so, क्या बोल रहा है लेमडा लेमडा इज अल्फा अपॉन बीटा बड़ी अच्छी बात है देन वॉट इज वन अपॉन लेमडा अपॉन अल्फा बड़ी अच्छी बात है वेरी गुड दिस इज वन नो प्रॉब्लम इज सो सिंपल वि इज दिस दिस रिटर्न इज एल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर अपॉन एल्फा बीटा उप सॉरी तो कहां तक था मैं तो अपने पास क्या कहता सॉरी माई बैड सो बेसिकली एल्फ एल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा वाज वन सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा इज वन विच इंप्लाइज आई डू नॉट नो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आई ओनली नो अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा तो बच्चों इसको मैं क्या लिख सकता हूं आई कैन राइट दिस एज एल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस टू एल्फा बीटा अपॉन एल्फा बीटा इज इक्वल टू वन एग्री एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बच्चों क्या है एल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा ऑल ऑफ यू नो दिस तो बच्चों इससे क्या आ गया दिस गेव मी अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू टेकिंग इट ऑन द अदर साइड थ्री अल्फा बीटा बस वेरी सिंपल पुट द वैल्यू पुट द वैल्यू आपको इक्वेशन पता ही है सो आपको अल्फा प्लस बीटा पता है ऑल ऑफ नो अल्फा बीटा वॉट इज अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए दैट इज एम एम माइनस फोर अपॉन ए विथ अ माइनस साइन पुट द वैल्यू देअर एंड वॉट इज एल्फा बीटा एल्फा बीटा बच्चों क्या हो जाएगा टू अ पॉन सी ए पौन ए पुट द वैल्यू यू विल गेट अ क्वालिटी की नम सोल्व दैट वेरी सिंपल तो करूँ कैलकुलेशन दिखाऊ बट समझ में आया क्वेश्चन माई फोकस हिर वॉज टू टेल यू दैट क्वेश्चन को रीड करने में टाइम लगाओ स्पेंड टाइम इन रीडिंग द क्वेश्चन थिंक अबाउट इट वंस यू हैव थॉट थ्रू इट प्रॉब्लम सॉल्विंग बिकम्स वेरी फास्ट बस कैलकुलेशन है तो कैलकुलेशन क्या है यह आ जाएगा आई पुट द वैल्यू एल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर का वैल्यू इज इक्वल टू थ्री एल्फा बीटा थ्री एम स्क्वायर थ्री एम स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा इसको स्क्वायर कर देना ठीक है वॉट यू आर गोइंग टू गेट इज दिस दिस इज द इक्वेशन दट विल गेट इक्वेशन आ जाएगी बच्चों इक्वेशन आ गई इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे टिक को सॉल्व करना सबको आता है वॉट इज द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्त माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए ऑल ऑफ यू नो दिस द रूट ऑफ द क्वारटिक सॉल्व करोगे ये रूट्स आ जाएंगे उसके क्वेश्चन वॉज द लीस्ट वैल्यू ऑफ एम आउट ऑफ द टू वैल्यूज ऑफ एम फोर प्लस थ्री रूट टू And four minus three root two. What is the minimum value? Four minus three root two. Big deal. Solve. That's it. Uh, Ashish, asking sir, why are you cancelling one root? or Baba, I cancel root. I am not cancelling the root. These are the two roots. One root is four plus three root two. Other root is four minus three root two. But question what? What was the question? What is the minimum value of m? So m has two values. But what is the minimum value? मिनिमम वाला वैल्यू राइट एग्री कोई डाउट इज दैट क्लियर ठीक है ऑसम वेरी गुड अरे कोई बोल रहा एम जीरो नहीं बेटा एम जीरो नहीं हो सकता ना एम इज इन द डिनोमिनेटर एम कैन नॉट बी जीरो डोंट वरी अबाउट दैट एम इज इन द डिनोमिनेटर सो एम इक्वल टू जीरो कैन नॉट हैपन समी वॉज आस्किंग देयर राइट

कंप्लीट आपको इसका पी डी एफ मिल जाएगा यू गेट द पी डी एफ ऑफ इट द सोल्यूशन इज ऑलरेडी देयर बट आई वॉन्ट यू टू सॉल्व इट जस्ट आफ्टर द क्लास इमिडिएटली ऑन योर ओन करोगे वील यू डू इट ठीक है बट दिस इज अगेन टू टेल यू कंसेप्ट आर सिंपल द प्रॉब्लम्स लेट मी समराइज द प्रॉब्लम्स ऑन रिलेशन बिटवीन द रूट्स आर सिंपल बट दे एट टाइम्स रिक्वायर कैलकुलेशन विच टेक्स अराउंड फोर्टी फाइव सेकेंड्स टू वन मिनट इफ यू डू इट कामली ठीक है इज दलियर सो डू नॉट लीव दीज क्वेश्चन इट माइ टेक वन मिनट और स्लाइटली मोर देन वन मिनट बट गारंटीड सॉल्व हो जाएगा ऑल राइट सो क्वेश्चन क्या है यह क्वेश्चन इज वेरी सिंपल जस्ट लेट मी क्विकली एक्सप्लेन यू ये बोलता है दिस इज द इक्वेशन पी क्यू आर आर इन ए पी क्यू आर आर इन ए पी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिस इंप्लाइज बच्चों क्या बताए आपको टू क्यू इज इक्वल टू पी प्लस आर इज गिवन टू यू आई विल नॉट सॉल्व इट आई एम जस्ट डिस्कसिंग प्रॉब्लम दिस इज गिवन टू यू वन अपॉन एल्फा प्लस वन अपॉन बीटा इज इक्वल टू फोर आपको एंड वॉट डू यू नो यू ऑल्सो नो एल्फा प्लस बीटा एंड यू ऑल्सो नो एल्फा बीटा This you know, this you know in terms of PQR. This is given to you and this is given to you. Use all that to find out the value of modulus of alpha minus beta, which can be written as alpha plus beta whole square minus 4 alpha beta ka under root. Agree? What is this? Alpha plus beta whole square minus 4 alpha beta is actually alpha minus beta ka whole square.

क्वेश्चन गलत था क्या नहीं अविक, एक बार चेक कर लेना वापस से बेटा आई थिंक इट्स करेक्ट आप चेक कर लेना बेटा ठीक है मैंने सोल्यूशन भी दिया हुआ है। यू कैन चेक फ्रॉम द सोल्यूशन एज वेल बट इसके ऊपर आ जाओ हियर हाँ ये देखो Now I have converted this into a numerical problem because numerical problems are coming in J mains from this year onwards, right? So, come here. Now what does it say? Again, J mains 2019 problem, the value of lambda such that sum of the square of the roots. So catching is square of the roots of the quadratic equation, quadratic equation here. Actually, I can I write it like this? I can write this as x square. प्लस थ्री माइनस लैमडा एक्स प्लस टू माइनस लैमडा इज इक्वल टू जीरो लेट द रूट्स बी अल्फा बीटा राइट देन द वैल्यू ऑफ लैमडा सच दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स हैज द लीस्ट वैल्यू तो बच्चों किसकी लीस्ट वैल्यू चाहिए आपको आपको एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की लीस्ट वैल्यू चाहिए यू वॉन्ट द मिनिम वैल्यू ऑफ एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अच्छी बात है कैन यू राइट डाउन एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बच्चों वॉट इज एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इट इज एल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस टू एल्फा बीटा कैन यू राइट डाउन द वैल्यू एंड वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इज गोइंग टू कम फ्रॉम हेयर आप जैसे इसकी वैल्यू लिखोगे बच्चों क्या हो जाएगा वॉट इज एल्फा प्लस बीटा इट इज माइनस ऑफ दिस अपॉन ए दैट इज बच्चों कितना हो जाएगा थ्री माइनस लैमडा होल स्क्वायर माइनस इनटू बीटा बीटाइज दिस अपॉन वन दैट इज माइनस टू टाइम्स टू माइनस लेमडा आपको इसको मिनिमाइज करना है यू हैव टू मिनिमाइज दिस यू हैव टू फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस ऑलराइट एनी एनी डाउट बच्चों डू यू सी इट इज अ क्वारिटिक इक्वेशन डू यू रियलाइज इट्स अ क्वारेटिक इक्वेशन ध्यान से देखो एक लैमडा में क्वारिटिक बन जाएगा यह बन जाएगा ना तो बताओ उसको जरा लेट मी हेल्प यू आफ्टर दैट तो क्या हुआ देखो आंसर इज टू कैसे टू वेज ऑफ लुकिंग एट इट देखना ध्यान से क्या किया आपने किया अल्फ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिस इज व्हाट यू नीड टू मिनिमाइज आई हैव पुट द वैल्यू तो बच्चों क्या आया आपके पास ये क्वालिटी क्रिएट हो जाएगा दिस इज व्हाट गेट्स क्रिएटेड लेमडा स्क्वायर माइनस फोर लेमडा प्लस फाइव राइट नाउ यू हैव टू फाइंड इट्स मिनिमम वैल्यू

मैं इसको लिख सकता हूं लेमडा माइनस टू होल स्क्वायर प्लस ओ सॉरी प्लस क्या किया मैंने ओ प्लस फोर प्लस वन माई बैड राइट तो बच्चों ये मिनिमम कब होगा ये तो पॉजिटिव है स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव राइट सो इट्स मिनिमम वैल्यू इज जीरो सो इट्स पूरे की मिनिमम वैल्यू बच्चों क्या होगी द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस विल बी

कर सकते थे बच्चों कैसे देखना ध्यान से तो ये मेथड मैंने लिखा हुआ है बट यू कुड हैव विजुलाइज दिस ग्राफिकली आर गेटिंग इनटू द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक ध्यान से देखो इसका ग्राफ क्या होगा एक क्वाड्रेटिक लेते हैं अ माइनस फोर एक्स प्लस फाइव दिस इज अ क्वाड्रेटिक राइट दिस क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा होगा बच्चों वाईक्वल टू एक्स स्क्वायर जैसा ग्राफ होगा फेसिंग अप बिकॉज द कोविश ऑफ एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव Always remember bachon, this is the graph of quadratic expression. This is called the vertex of the graph. This is called the vertex of the graph, and bacho ye this? it is minus b by two a, comma minus d by four a. This is the quadratic. एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी राइट अगर ए पॉजिटिव है, right? तो है. कितनी हो जाएगी माइनस बी बाई टू ए सो दिस विल बी मिनिमम वेन द वैल्यू ऑफ एक्स विल बी माइनस बी बाई टू ए इसका माइनस बी बाई टू ए कितना है बच्चों What इज बी ए इज वन बी इज माइनस फोर सी इज फाइव वॉट इज माइनस बी बाई टू ए माइनस बी बाई टू ए कितना माइनस ऑफ माइनस फोर राइट बच्चों कितना आ जाएगा टू सो द मिनिमम वैल्यू तो ये वर्टेक्स कितना हो गया बच्चों दिस इज टू एंड माइनस डी बाई फोर ए कैलकुलेट करोगे तो बच्चों वो आ जाएगा वन सो दिस एक्सप्रेशन Or this expression is minimum when the value of the lambda or the value of x here is 2 and the minimum value is 1, right? So this is the graphical understanding of it. Is that making sense to you? Yes or no? Yes? Can you visualize it graphically? Yes, Gautam, I remember you. Alright, d by by dxty beta, but There is no need, right? ये दिस शुड बी वेरी वर्बल एंड वेरी ऑब्वियस फॉर यू है ना ना ये देखो लेट मी रिवाइज द ग्राफ फॉर यू ये रे ग्राफ आप इसको नोट कर लो दिस शुड बी वेरी क्लियर सो किसका ग्राफ है बच्चों ये दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस इज द ग्राफ ऑफ देखना ध्यान से वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इट इज अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन this is the quadratic expression Agar a negative hoga, if the a is negative the graph will face down if the a is positive the graph will be facing up it is a sad graph it is a happy graph this is sad graph hai. smile kar it is sad and this is a happy graph i like this graph hai. and but whatever it is the vertex is always but please note down द वर्टेक्स इज ऑलवेज माइनस बी बाई टू एम माइनस डी बाई फोर ए डी सबको पता है क्वेश्चन इज वट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन द इज पॉजिटिव द मिनिमम वैल्यू इज माइनस डी बाई फोर ए वे विम एक्स इज माइनस बी बाई टू ए What is the maximum value of this expression when a is negative minus d by 4a? When is the value maximum when x is minus b by 2a? Is that clear? Take Yes or no. Ha, huh, let me look at your chats also.. <laughs> Take cool. वेरी गुड ऑसम चलो आगे बढ़ते हैं. कहां गया दिस इज द नेचर ऑफ द roots. वैसे तो सबको पता है What इज तो वाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो क्या होते हैं बच्चों इसके अल्फा बीटा माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय टू ए दिस इज द रूट ऑफ यू नो राइट वॉट डू वी नो अगर तो बच्चों डेल्टा जीरो हो जाएगा इफ दिस डिस्क्रिमिनेंट और डी डेल्टा इज दिस इज डी इफ डिस्क्रिमिनेंट इज जीरो तो ये तो जीरो हो गया तो रूट्स बच्चों क्या हो जाएंगे द रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल बिकॉज एल्फा बीटा बोथ विल बी माइनस बी बाई टू है बोथ रूट आर इक्वल यहां पर क्या हो जाएगा एल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू है राइट डेल्टा इज लेस देन जीरो तो बच्चों क्या हो जाएगा देन इफ दिस इज लेस देन जीरो इफ दिस इज लेस देन जीरो तो रूट्स बच्चों क्या हो जाएंगे इमेजनरी एंड एज आई साइड रूटर इन कंजुगेट पेयर तो रूट्स कैसे देखेंगे यहाँ पे? तो रूट देखेंगे आपको फॉर एग्जाम्पल ए प्लस आयोटा बी से एल्फा इज इक्वल टू या एक हो जाएगा सी प्लस आयोटा डी तो दूसरा रूट हो जाएगा आपके पास सी माइनस आयोटा डी राइट सो रूट्स इमेजनरी रूट्स ऑलवेज अकर इन इमेजनरी पेयर्स राइट एंड वेन इज डी इज ग्रेटर देन जीरो तो बच्चों क्या हो जाएगा देन द रूट आर रियल डी ग्रेटर देन जीरो रूट डी रियल नंबर दिस एंटायर थिंग इज अ रियल नंबर सो रूट्स आर रियल एग्री ऑल ऑफ यू तो दिए तो बहुत सिंपल है नथिंग स्पेशल हियर बट लेट सी हाउ दिस इज अप्लाइड इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑल ठीक है तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में अप्लाई करके देखते हैं इसको तो यहां पे रूट्स क्या है हियर द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट अलग अलग रूट्स हैं रूट्स आर डिफरेंट इनको ग्राफिकली विजुलाइज करेंगे वेरी सून लेट्स विजुलाइज देम विजुअलाइज एम ग्राफिकलीट ठीक है करते हैं आई विल कम टू द ग्राफ ग्राफिकल विजुअलाइजेशन इन अ वाइल बट प्रॉब्लम तो करें लेट अस सी हाउ प्रॉब्लम्स कम कम आ जाओ द नंबर ऑफ इंटीग्रियल वैल्यूज ऑफ एम फॉर विच द इक्वेशन हैज नो रियल रूट तो इतने बिल्कुल लड्डू प्रॉब्लम्स भी आते हैं दिस इज जय मीन्स टू थाउजेंड नाइनटीन प्रॉब्लम आई एम गिविंग यू जस्ट टू गिव यू अन्स कि भैया कॉरेडिक कितना लड्डू चैप्टर है हाउ सिंपल दिस टॉपिक इज यू नीड टू स्कोर इन दिस टॉपिक एंड डोंट थिंक दैट यू डोंट नो एल जबरा अरे बहुत सिंपल है इट्स वेरी सिंपल राइट आ जाओ देखो इसको क्या बोल रहा है वो कुछ ग्राफ व्राफ की जरूरत नहीं है अभी क्या बोल रहा है द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एम फॉर विच द इक्वेशन हैज नो रियल रूट नो रियल रूट नो रियल रूट की कंडीशन क्या होती है बच्चों नो रियल रूट वॉट इज द कंडीशन डी इज लेस देन जीरो यस ऑफ ऑफकोर्स डी कितना हो जाएगा दिस सिंपली इंप्लाइज डी इज लेस देन जीरो लो नथिंग एल्स विच इंप्लाइज वॉट इज डी बी स्क्वायर तो ये तो हो गया ए ये हो गया बी ये हो गया सी सो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो विच एम्प्लाइज वॉट इज बी स्क्वायर इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 4 फोर वन प्लस थ्री एम होल स्क्वायर माइनस फोर ए सी तो वन प्लस एम स्क्वायर वन प्लस एट एम लेस देन जीरो राइट बस नाउ द ओनली थिंग इज टू सॉल्व इट तो बच्चों सॉल्व तो करना पड़ेगा बट एटलीस्ट वी नो वॉट टू डू सोल्यूशन इज मतलब सॉल्विंग तो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. सो इसको सॉल्व करो ओपन एट ओपन एट थिंग्स विल कैंसल आउट लेट सी वॉट इक्वेशन इज कमिंग आउट सो सिंप्लीफाई दिस बच्चो ऑल ऑफ यू सिंप्लीफाई डू 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 गो है दिस क्या इक्वेशन आ रहा है वॉट इज द इक्वेशन दैट इज कमिंग आउट द इक्वेशन विच इज कमिंग आउट इज ये आएगी इक्वेशन ध्यान से देखना सो वंस यू सॉल्व इट तो ये किया हमने दिस इज वॉट वी डिड द डी इज दिस एंड इट इज लेस देन जीरो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी

ग्रेटर देन जीरो इसका सॉल्यूशन क्या होगा बच्चों ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है सी लुक एट दिस दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर व्हाट बिकॉज इट इज अ स्क्वायर स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव नाउ फोकस ऑन दिस एम नाउ फॉर दिस टू बी ग्रेटर देन जीरो ऑल द एम विच आर पॉजिटिव विल मेक इट पॉजिटिव सो हाउ मेनी सच एम आर पॉसिबल हाउ मेनी सच एम

उ मेनी सच एम आर पॉसिबल इनफाइनाइट सच एम आर पॉसिबल एनी पॉजिटिव वैल्यूटिफाईट मैनील्ट क्या डिफिकल्टी नहीं था ना चल सो जे मैं देखो ऑलमोस्ट ऑल द प्रॉब्लम एट आईम टेकिंग टू डे जे मीन टू थाउजेंड नाइनटीन आई परपजली टूक जे मीनस टू थाउजेंड नाइनटीन प्रॉब्लम शो यू कि भैया कितना इजी है जय मेन्स जय मेन्स इज वेरी सिंपल ठीक है हो जाएगा यार टेंशन नहीं लेना सो माई पर्पज ऑफ टीचिंग यू इज मोर देन मैथेमेटिक्स टू गिव यू कॉन्फिडेंस दैट मैथेमेटिक्स इज सिंपल डूड इट्स सिंपल रियली इट्स सिंपल ठीक है तो चलो आगे बढ़ते और लो ये लो द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल पॉजिटिव इंटीग्रियल वैल्यूज ऑफ एल्फा दिस इज अगेन जय मेन्स टू थाउजेंड नाइनटीन आ जाओ पवन आई बिकॉज़ यू कन्वर्ट चलो इसको कन्वर्ट कर देते हैं निमारिकल में ठीक है पवन आ जाओ लेट्स डू दिस अरे ये देखो सेइंग की मेरी इलेवंथ तो डूब गई प्रॉब्लम्स इलेवंथ की प्रॉब्लम्स है ना व्हाट इज द डिफिकल्टी सिंपल डूड करते जाओ हो जाएगा जस्ट की okay? हाँ, जाओ तो क्या बोल रहा है भाई ये ये बोल रहा है पॉसिबल पॉजिटिव पॉजिटिव डोंट फॉरगेट पॉजिटिव ओके सो ऑल पॉसिबल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एल्फा फॉर विच द रूट्स ऑफ द क्वॉरिटिक इक्वेशन आर रैशनल नंबर्स रैशनल नंबर्स कब होते हैं रूट्स सिंपल व्हेन आर द रूट्स रेशनल नंबर्स द रूट्स आर रैशनल नंबर्स व्हेन द डिस्क्रिमिनेंट बच्चों कितना होता है जीरो जीरो नहीं परफेक्ट स्क्वायर वेन डी इज परफेक्ट स्क्वायर वेन डी इज अ परफेक्ट स्क्वायर राइट बच्चों क्योंकि रूट्स क्या होते हैं रूट्स होते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई टू ए राइट सो अगर ये डी परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा इफ दिस डी इज अ परफेक्ट स्क्वायर इफ दिस डी इज अ परफेक्ट स्क्वायर इट विल कम आउट ऑफ द अंडर रूट लाइक अ गुड बॉय सो अंडर रूट के बाहर आ जाएगा मेकिंग दिस एंटायर एक्सप्रेशन रैशनल एक्सप्रेशन नॉट इशनल इशनल हैज अ रूट राइट बट इफ इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर इट विल कम आउट ऑफ द रूट मेकिंग इट अ रैशनल एक्सप्रेशन सो बेसिकली वॉट यू आर टॉकिंग अबाउट इज कि अपना जो डिस्क्रिमिनेंट है ना इट शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर सो वॉट इज अ डिस्क्रिमिनेट लेट्स लुक एट द डिस्क्रिमेंट हिस्टर डिस्क्रिमिनेंट कितना हो जाएगा डी

एग्री अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन लेके आओ ट्वन ट्वेंटी वन माइनस ट्वेंटी फोर एल्फा ना योर कैलकुलेशन शुड बी वेरी फास्ट हियर ये देखो ट्वेंटी फोर एल्फा एल्फा फाइव के ऊपर तो जा ही नहीं सकता बिकॉज इफ एल्फा इज इक्वल टू फाइव तो ट्वेंटी फोर एल्फा बच्चों कितना हो जाएगा वॉट इज ट्वेंटी फोर एल्फाइट ट्वेंटी फोर इंटू फाइव कितना होता है वन ट्वेंटी तो वन ट्वेंटी के ऊपर जाऊंगा तो नेगेटिव हो जाएगा ना सो एल्फा इज स्टिल फाइव ओनली सो चेक फॉर एल्फाइज इक्वल टू वन टू थ्री फोर फाइव चेक फॉर ऑल दिस सो पुट एल्फा इज इक्ल टू वन टू थ्री फोर फाइव देखो यह कब परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है चेक वेन इट इज बिकमिंग अ परफेक्ट स्क्वायर ऑल राइट बस सिंपल प्रॉब्लम तो क्या आएगा आंसर किसी का आंसर आया क्या आएगा सो क्या किया मैंने मैं बोल रहा हूं कि वन डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है आपका वन ट्वेंटी वन माइनस ट्वेंटी फोर एल्फा इट शुड बी ए परफेक्ट स्क्वायर पुट द वैल्यूज ऑफ के सॉरी एल्फा इज इक्वल टू वन टू थ्री फोर फाइव बिकॉज आफ्टर फाइव दिस विल स्टार्ट बिकमिंग नेगेटिव बट आई वॉन्ट अ परफेक्ट स्क्वायर तो जरा देखो कैलकुलेट करोगे ना तो जब एल्फा को थ्री पुट करोगे तो आपके पास आएगा 121 ट्वेंटी वन माइनस ट्वेंटी कितना आएगा देखो और जब 4 पुट करोगे तो कितना आएगा और 5 पुट करोगे तो मुझे पता है 1 आएगा देन इट इज 1 राइट right? तो देखना क्या क्या रहा है मेरे हिसाब से आएगा 49 49 25 1 ऑल दीज आर परफेक्ट स्क्वायर्स ऑल दीज आर परफेक्ट स्क्वायर्स when you put 1 and 2 it will not be a perfect square so what are the possible values of alpha 3 the possible values of alpha are 3 4 and 5 for these values of alpha this expression is a perfect square hence the roots are rational hence the answer is alpha is equal to 3 3 values of alpha are possible 1 2 3 3 values are possible yes अबे जीरो कैसे कौन बोल रहा है जीरो अरे जीरो नहीं रे इट्स इज पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज में जीरो आता है क्या जीरो नहीं आता जीरो डजन कम राइट right? अरे पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज इज जीरो पॉजिटिव इंटीजर नहीं ना जीरो वॉन्ट कम ऑल right? राइट चलो नाउ लेट्स मूव एनालिसिस ऑफ ग्राफ नाउ लेट गो इन टू द ग्राफ अब वापस से ग्राफ पे आ जाते हैं द पोर्शन अहेड इज ग्राफिकल नाउ ओके सो लेट्स फोकस ऑन द ग्राफ नाउ सो बच्चों व्हाट वी हैव डन वी हैव लर्न टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द रूट्स द नेचर ऑफ द रूट्स नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ द द क्वारिटिक एक्सप्रेशन एंड हैन सर्टेन मोर टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग ठीक है अब क्या होगा ये देखो हमने क्या पढ़ा अभी तक द वाई गया वाईजल टू अरे यार सो वाईज इक्वल टू ए एक्स स्क्स बी एक्स प्लस सी दीज आर द टू पॉसिबल ग्राफ्स दीज आर द टू पॉसिबल ग्राफ्स वेन a पॉजिटिव हैप्पी ग्राफ स्माइलिंग ग्राफ वेन a नेगेटिव अ सैड ग्राफ लुकिंग डाउन वॉट यू रिमेंबर बच्चों दैट द वर्टेक्स इज ऑलवेज माइनस बी बाई टू ए माइनस डी बाई फोर है ये दिमाग में सेट कर लो ठीक है माइनस बी बाई टू है माइनस डी बाई फोर है दिस इज द वर्टेक्स राइट नाउ द थिंग इज द ग्राफ मे और मे नॉट इंटरसेक्ट विद द एक्स एक्सेस चलो लेट अस टेक द सिचुएशन नाउ फॉर दिस ग्राफ द हैप्पी ग्राफ राइट द ग्राफ कैन इधर लुक लाइक दिस और द ग्राफ कैन लुक लाइक दिस एग्री टू पॉसिबिलिटीज Either the graph is above x-axis or the graph intersects x-axis. If the graph intersects x-axis, then how many real roots are there, Bacho? Roots out there. Where the graph intersects x-axis, roots are there. So how many roots are there? Two distinct real roots. This is the case when d is greater than zero. D greater than zero. Two distinct real roots, this is the graph. Graph intersects at two points. D less than zero.

the graph is always above x axis what is the condition a positive and d negative the graph is always above x axis or or the expression is always positive matlab ax square plus bx plus c is always positive always positive hey always positive ग्राफ इज ऑलवेज अब एक्सेस मतलब ऑल द वैल्यूज ऑफ द ग्राफ आर ऑलवेज पॉजिटिव नोट करो योर नोटबुक दिस एक्सप्रेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव वेन ए इज पॉजिटिव एंड डी इज नेगेटिव एग्री राइट नाउ सिमिलरली इक्वल रूट्स का केस क्या होगा बच्चों दिस इज द केस वेन द ग्राफ जस्ट टच इज एक्सेस तो बच्चों क्या हो जाएगा रूट्स आर इक्वल डी इज इक्वल टू जीरो यहां पे क्या था अल्फा बीटा यहां पे क्या हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू बीटा राइट फिर से भाग गया वो एनी वेज आई विल अगेन कम बैक टू दिस लुक एट दिस नाउ यहां पे वॉट आर द पॉसिबल केसेस द केसेज हियर आर इधर द ग्राफ कट एक्स एक्स इज टू पॉइंट तो बच्चों क्या है टू रियल रूट्स डी ग्रेटर देन जीरो ग्राफ ए नेगेटिव राइट दिस इज द केस व्हेन देयर आर टू रियल रूट्स, नाउ लुक एट दिस केस वेरी इंपॉर्टेंट नोट करो यू नोटबुक दिस इज द केस व्हेन द ग्राफ इज ऑलवेज बिलो एक्स एक्सेस बिलो एक्स एक्सेस ठीक है तो नो रियल रूट बिकॉज द ग्राफ इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा एक्स एक्सेस द ग्राफ इज नॉट इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सेस तो बच्चों क्या हो जाएगा केस ए तो नेगेटिव है और डी भी क्या हो जाएगा नेगेटिव ए नेगेटिव डी नेगेटिव ग्राफ इज

तो ये क्या है वाई फॉर दिस ग्राफ वाई इज ऑलवेज नेगेटिव वॉट इज वाई दिस एक्सप्रेशन सो दिस एक्सप्रेशन इज ऑलवेज नेगेटिव वेन ए नेगेटिव डी नेगेटिव एंड वेन वॉज दिस एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव ऑलवेज पॉजिटिव का केस कौन सा था ऑलवेज पॉजिटिव का केस ये वाला था ए पॉजिटिव डी नेगेटिव एग्री एनी डाउट एनी डाउट हियर बच्चों एनी डाउट इन दिस दिस इज सुपर 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 इम्पॉर्टेंट सुपर डुपर इम्पोर्टेंट ठीक है डी लेस देन जीरो मतलब ग्राफ इंटरसेक्ट नहीं करेगा एक्सेक्सेस पे बस ये ध्यान रखना डी लेस देन जीरो मतलब ग्राफ इज इधर अबव एक्सेक्सेस और बिलो एक्सेक्सेस अबव एक्सेक्सेस ए पॉजिटिव बिलो एक्सेक्सेज ए नेगेटिव ऑलवेज ठीक है ना आप देखते हैं प्रॉब्लम्स में कैसे कन्वर्ट होता है नाउ लेट सी हाउ दिस कन्वर्ट्स इन टू द प्रॉब्लम सॉल्विंग तो ये केसेस ऑल द केसेस आर ईयर ऑलवेज अबव एक्सेक्सेस ए पॉजिटिव डी नेगेटिव इंटरसेक्ट ए पॉजिटिव डी पॉजिटिव ठीक है सो रियल रूट्स टू रूट्स के केसेस क्या है इन दोनों केसेस में बच्चों क्या है डी पॉजिटिव नो रियल रूट्स नो रियल रूट्स ग्राफ डज नॉट इंटरसेक्ट एक्सेक्सेस डी नेगेटिव ए पॉजिटिव ए नेगेटिव वेरी सिंपल फोर केसेस टू रियल रूट्स नो रियल रूट्स ठीक है ना एग्री अब आ जाए प्रॉब्लम सॉल्विंग पे यहां तक तो क्लियर है सबको नो लेट्स द प्रॉब्लम सॉल्विंग कम टू दिस इफ दिस एक्सप्रेशन इज पॉजिटिव ध्यान से देखना इसको वेरी इंपॉर्टेंट केस इफ दिस इज पॉजिटिव फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स देन के लाइज इन द इंटरवेल वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ओके क्या बोला मैंने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव बच्चों ध्यान से सुनो क्या लिखा है इसको रीड कैसे करोगे आप दैट एन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव मतलब बच्चों ऐसा ग्राफ कैसा रहा होगा अगर मैं इसे ग्राफ प्लॉट करता तो बच्चों से ग्राफ कैसा बनता द ग्राफ वुड हैव बीन ऑलवेज एक्स मतलब कंडीशन क्या है ए तो पॉजिटिव होगा वो हो तो है ऑलवेज पॉजिटिव मतलब ग्राफ इज ऑलवेज स्माइलिंग बट सिंस इट इज ऑलवेज पॉजिटिव ऑलवेज पॉजिटिव मतलब बच्चों क्या होगा डी कितना होगा लेस देन जीरो बिकॉज द ग्राफ हैज टू बी अबव एक्स एक्सेस सो वॉट इज द कंडीशन बच्चों

स्क्वायर माइनस फोर ए सी एज वन सी इज दॉल्व करना है आपको डी लेजेंट जीरो और अभी बताना यह सबको क्लियर है वाईज डी लेजेंट जीरो फॉर अ क्वारटिक एक्सप्रेशन टू बी ऑलवेज पॉजिटिव इट्स ग्राफ हैज टू लाइ अब एक्स एक्सेस फॉर द ग्राफ टू लाईल एक्स एक्सेस ए पॉजिटिव डी नेगेटिव सेट कर लो दिमाग में रट लो इसको नहीं तो ऑब्वियस दिख रहा है डी नेगेटिव मतलब ग्राफ डज नॉट एक्सेस डज नॉट इंटरसेक्ट एक्स एक्सेस है ना तो इसको सोल्व कर लोगे मैंनेट बच्चों क्या आएगा सॉल्व करोगे तो यह आ जाएगा विविकाव क्या है के स्क्वायर प्लस थ्री के माइनस टेन लेस देन जीरो है इक्वेशन इसको सिंपलीफाई करोगे तो आ जाएगा के स्क्वायर प्लस थ्री के माइनस टेन लेस देन जीरो अपॉन फैक्टराइजेशन, के प्लस फाइव के माइनस टू लेस देन जीरो वेवीकर्व बच्चों इफ यू एनी डाउट इन हाउ टू सॉल्व दिस जस्ट सर्च फॉर फंक्शंस पुलकित वेदांतु फंक्शंस ऑन यूट्यूब यू विल गेट लॉट ऑफ माय सेशंस वेर आई हेव एक्सप्लेन हाउ टू सॉल्व दिस थिंग दिस इज वेविकव कैसे करते हैं दिस इज के इक्वल टू टू दिस इज माइनस फाइव लेस देन जीरो मतलब क्या हो जाएगा बिटवीन द टू ये वाला पोर्शन इन बिटवीन माइनस फाइव सेट टू इन बिटवीन माइनस फाइव सेट टू ऑल राइट दिस इज वेरी कर्व आई टेक जस्ट फाइव मोर मिनट्स टू डू अ फ्यू थिंग्स इसके बाद लोकेशन ऑफ रूट आएगा विच आई विल टेक इन वन मोर क्लास ठीक है ना लोकेशन ऑफ रूट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट चलो बट यहां तक समझ में आया कैन यू डू वन मोर प्रॉब्लम लाइक दिस जे मेन्स टू थाउजेंड नाइनटीन स टू थाउजेंड नाइनटीन लेट सी आई होप यू कैन डू इट यूर सेल्फ करो रीड इीड दिस हाउ दी स्मॉल कंसेप्ट आर लीडिंग टू द प्रॉब्लम ऑल द कंसेप्टॉट बस ये कंसेप्ट कर लो जय की सारी प्रॉब्लम हो जाएंगी ओनली वन कंसेप्ट इज लेफ्ट लोकेशन ऑफ रूट उसके ऊपर मैं आऊंगा आई एल टेक वन मोर क्लास फॉर दैट बट अभी यह करो द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एम फॉर विच सो इंटीग्रेट वैल्यूज ऑफ एम फॉर विच द क्वालिटिक एक्सप्रेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव इज ऑलवेज पॉजिटिव अरे वा तो सबको पता है वट इज ऑलवेज पॉजिटिव ऑलवेज पॉजिटिव मतलब हमने तो याद ही कर लिया था वी रिमेंबर दिस वट इज ऑलवेज पॉजिटिव ए ग्रेटर देन जीरो एंड डी लेस देन जीरो दैट्स इट कर लोगे सॉल्व तो क्या होगा एंड डी लेस देन जीरो कर लोगे सॉल्व व्हाट इज ए ए कितना है बच्चों ये रहा ए प्लस टू एम ग्रेटर देन जीरो नाउ व्हाट इज डी लेस देन जीरो डी कितना है बी स्क्वायर दैट इज फोर वन प्लस थ्री एम बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी फोर इंटू फोर इंटू वन प्लस एम राइट तो क्या आएगा दो एक्सप्रेशन आएंगे बच्चों आपके पास राइट बट रिमेंबर दिस शुड बी ट्रू एंड दिस शुड बी ट्रू दर इज एन एंड राइट तो बच्चों क्या करोगे इसको सॉल्व करो इसको भी सॉल्व करो and what will you take between the two what will you take you will take the intersection iska solution and iska solution ke beech mein bachcho what will you take intersection because both this should be true a should be positive at the same time d should be negative both should be true together when two things are true together bachcho what do you take यू टेक इंटरसेक्शन राइट ठीक है ना हाँ कॉमन रूट्स भी करेंगे डोंट वरी तो बच्चों क्या है इसको सॉल्व करोगे सो डू द कैलकुलेशन यूर सेल्फ आई एम जस्ट शोइंग यू द कैलकुलेशन देखना ध्यान से क्या आएगा फर्स्ट ए दिस इज डी लेस देन जीरो एंड दिस इज ए ग्रेटर देन जीरो ए ग्रेटर देन जीरो मतलब ये तो बच्चों उससे आ गया एम इज ग्रेटर देन माइनस हाफ राइट बट वेन यू सॉल्व द डी वेन यू सॉल्व द डी आपके पास बच्चों ये एक्सप्रेशन आएगा दिस लेस देन जीरो दिस लेस देन जीरो क्या है इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको यू हैव टू सॉल्व इट थिंक ऑफ इट लाइक दिस थिंक ऑफ इट लाइक गेटिंग फैक्टराइज एज एम माइनस एल्फा इंटू एम माइनस बीटा लेस देन जीरो थिंक ऑफ इट दिस लाइक दिस इट इज अ क्वाटिटिक इन एम ये फैक्टराइज नहीं हो रहा आपसे डायरेक्टली इफ यू आर नॉट एबल टू फैक्टराइज इट डायरेक्टली फाइंड द रूट्स। दो रूट आएंगे बच्चों क्या रूट्स आएंगे आप इसके रूट्स फाइंड करो आपके रूट्स आएंगे थ्री प्लस माइनस रूट ट्वेल्व राइट तो बेसिकली क्या हो गया ये यू कैन इमेजिन दिस एज एम माइनस थ्री प्लस रूट ट्वेल्व एम माइनस थ्री माइनस रूट ट्वेल्व लेस देन जीरो वे अगेन वेविकव वेविकव मतलब कैसे क्या होता है जब भी आपके पास इस टाइप का एक्सप्रेशन आता है इट इंप्लाइज एम लाइज बिटवीन एल्फा एंड बीटा स्मॉलर वैल्यू टू द लार्जर वैल्यू एम लेस देन इससे ठीक है बच्चों ये पता है आप लोगों को डू यू नो दिस इफ नॉट देन गो एंड रिवाइज माई क्लासेज ऑफ फंक्शंस जस्ट सर्च फॉर पुलकित वेदांतु फंक्शंस ऑन यू गेट माई क्लासेज ऑन फंक्शन वेर यू लर्न हाउ टू सोल्व दीज बेसिक कैलकुलेश्स ठीक है ना क्लियर है तो बच्चों क्या किया आपने जब सोल्व किया होगा ना इसको वेन यू सोल्व दिस आपके पास रूट आ गई है एंड दिस इनिकवालिटी गेव यू दैट एम बिलोंग्स टू द स्मॉलर रूट टू द बिगर रूट राइट सो द सोल्यूशन ऑफ दिस कम्स आउट टू बी एम बिलोंग्स टू थ्री माइनस टू रूट थ्री से थ्री प्लस टू रूट थ्री

वॉट आर द इंटीजर्स बिटवीन दिस एंड दिस बड़ा आसान है क्वेश्चन क्या था द इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एम फॉर विच दिस इज ट्रू तो इंटीग्रल वैल्यूज क्या है ये कितना है दिस इज ऑलमोस्ट माइनस पॉइंट फोर सो वॉट आर द इंटीजर्स बिटवीन माइनस पॉइंट फोर से सिक्स पॉइंट फोर क्या क्या इंटीजर्स हैं जीरो वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स उ मेनी इन टीचर्स आर देयर जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन इन टीचर्स आर देयर सो हाउ मेनी इन टीचर्स आर पॉसिबल सेवन इन टीचर्स आर पॉसिबल आंसर क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर विद बी सेवन डी समझ में आया क्या कट यू गेट इट हाउ मेनी ऑफ यू गॉट इट कितने बच्चों को समझ में आया द कंसेप्ट वॉज सिंपल कैलकुलेशन वॉज स्लाइटली लेंदिंग यस yes, चलो ऑसम वेरी गुड वेरी गुड चलो सो आई विल स्टॉप माई क्लास नाउ आई टेल यू वॉट ऑल वी विल डू वी विल डू कॉमन रूट आई डू बच्चो आई विल टेक एन एक्स्ट्रा क्लास क्योंकि नेक्स्ट क्लास इज ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स नेक्स्ट क्लास इज ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स सो वॉट आई डू आई विल क्रिएट एन एक्स्ट्रा क्लास फॉर यू टू टीच यू कॉमन रूट ठीक है एंड कॉमन रूट्स के बाद हम करेंगे बच्चों लोकेशन ऑफ रूट टू कंसेप्टर लेफ्ट हाफ एन आवर I'll create a half an hour ka class for you separately. Alright. And we will learn these two concepts. And one more thing, kids. What you can do, last year I took a 30-day sprint. Last year I took a 30-day sprint. If you so you can go. In the description of this video, I have put down the links of my previous classes which I took last year on Quadratic. Theke? If you want to practice more questions,

इसलिए वापस से अपने लक्ष्य इंस्टीट्यूट बना के वापस से साथ हो गए एंड देन वी स्टार्टेड ओके विदांतूनीस सो वन मोर थिंग बच्चो अगर आपको बहुत डिटेल में सब कुछ बहुत ही शेड्यूल के साथ करना है इन अ वेरी वेरी डिटेल्ड क्लासेस इफ यू वॉन्ट टू लर्न फ्रॉम द स्क्रैच अ लॉट ऑफ थिंग्स देन यू कैन टेक क्रैश कोर्स एज वेल सो क्रैश कोर्स विल कवर जय मीन्स जय एडवांस बोर्ड प्रिपरेशन इट विल इंक्लूड लॉट्स ऑफ मटीरियल थ्योरी नोट्स एंड एवरीथिंग इफ यू आर इंटरेस्टेड

कुछ बच्चों को टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने में दिक्कत होती है बिकॉज इफ यू यूज जियो नेटवर्क एट टाइम्स ज्वाइनिंग अ टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट सम प्रॉब्लम इफ दैट इज द केस यूज अनादर नेटवर्क ऑन वाई फाई टू कनेक्ट हो जाएगा ऑल द पी डी एफ एंड एवरीथिंग विल बी अवेलेबल असाइनमेंट्स ऑल्सो वी विल बी शेयरिंग असाइनमेंट्स आफ्टर द क्लासेस असाइनमेंट्स आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन द टेलीग्राम ग्रुप ठीक है एंड अफकोर्स बच्चों इफ यू अंडरस्टूड टू क्लास do press the like button give me feedback give your feedback in the comments tell me what extra do you want what else do you want all right and bachcho as i always say i will end my class with this graph of quadratic which is what this is the most beautiful graph which is a quadratic graph it is a equal to 0 wala a greater than 0 wala graph that is u. बच्चों कीप स्माइलिंग बी हैप्पी दैट इज अ वे टू प्रिपेयर डोंट लूज हार्ट एट ऑल सो वेन इज माई नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट क्लास इज नाइन पी एम ऑन मंडे ठीक है बच्चों आई विल टेक कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन बिटवीन आई विल टेक एन एक्स्ट्रा क्लास ऑन लोकेशन ऑफ रूट एंड कॉमन रूट दैट इज इन हाफ एन आवर क्लास मैं अलग से अपलोड कर दूंगा अलग से क्रिएट कर दूंगा आपके लिए ठीक है चलो ऑन दैट नोट ऑल द वेरी बेस्ट कीप स्माइलिंग डोंट लूज हार्ट हो जाएगा ट्रस्ट मी मैथ में सिंपल बना दूंगा आपके लिए डोंट वरी एट ऑल बाय बाय सी यू